हेलो एवरीवन, क्लास सिक्स मैथमेटिक्स ट्रायंगल पार्ट फाइव। इस पार्ट में हम असाइनमेंट जो मैंने पार्ट फोर में दिया था उसका सॉल्यूशन करेंगे। पार्ट फोर में मैंने आपको फोर क्वेश्चंस गिवन थे पाइथागोरस थ्योरम पे ऊपर, उनका सॉल्यूशन हम यहाँ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है जिसमें हाइपोटेनस की वैल्यू आपकी 5 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर पी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और आपको बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। थ्योरम हमारी पता ही है हमें, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये अपनी पाइथागोरस थ्योरम है। तो एच की वैल्यू आपने 5 पुट करी एंड परपेंडिकुलर की आपने वैल्यू 4 पुट करी और बेस की वैल्यू आपको गिवन नहीं थी तो बेस को आपने बेस ही रख दिया। तो एच की वैल्यू 5 हो गई, पी की वैल्यू 4 हो गई, बी का बी रख दिया आपने। तो बी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 4 × 4 = 16 इक्वल्स टू 5 × 5 = 25। मैंने इन दोनों को तो इस राइट लेफ्ट साइड में लिख लिया है और 5 स्क्वायर को मैंने लेफ्ट राइट में कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 16 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो -16 हो जाएगा, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर यहाँ से हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो स्क्वायर को रिमूव करने के बाद यहाँ लगाएंगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 9 की आंसर जो होता है वो 3 होता है, ओके, क्योंकि 9 के जो हम फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 करेंगे और ये किसका पेयर बन जाएगा, 3 का पेयर बन जाएगा। तो बी सी की वैल्यू जो आई वो 3 आ गई, बी सी मीन्स बेस की वैल्यू 3 आ गई। सिमिलरली क्वेश्चन सेकंड है, बेस की वैल्यू गिवन है, हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है, आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन सेम थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच की वैल्यू आपकी 10 है एंड बेस इक्वल्स टू 8, तो एच इक्वल्स टू 10 एंड बेस इक्वल्स टू 8, पी इक्वल्स टू पी, तो 8² = 64 प्लस पी स्क्वायर, 64 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10² = 100, ओके। तो प्लस 64 को इधर ट्रांसफर करेंगे -64, 100 में 64 माइनस 36, तो यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करो, यहाँ स्क्वायर रूट लगाओ, 36 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 3 एलसीएम लेंगे तो फिर पेयर बना देंगे, एक पेयर 2 का बन गया, एक पेयर 3 का बन गया, तो कंप्लीट पेयर बन गए हैं। तो जो पेयर बनते हैं उनको बाहर लेंगे, मल्टीप्लाई करवा दो, 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, ए बी की वैल्यू आपकी 6 आ गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें रूट वाले कुछ गिवन है। तो ए बी सी आपको हाइपोटेनस है 4√13, बेस की वैल्यू आपकी 8 गिवन है, आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो एच की वैल्यू आपकी है 4√13, 4√13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी की वैल्यू आपकी 8 है, तो बी की वैल्यू 8² प्लस पी आपको एजिटेड रख दिया मैंने, तो 8² = 64 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 4√13 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे आप? तो 4√13 को आप 4√13 से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर का मतलब उसी नंबर्स को आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 16, और √13 को √13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 13। जब रूट की डिजिट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, 13 √13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आ जाएगा, और 16 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 208 आ जाएगा। आगे तो सिंपल है, प्लस 64 को इधर ट्रांसफर किया तो -64 हो गया, 208 में 64 को माइनस करेंगे 144 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगेन क्वेश्चन सेकंड है, ये तो एकदम सिंपल है, ये 6 है, ये 2 है आपका, तो सेम थ्योरम अप्लाई करनी है, ये मैंने सॉल्यूशन कर रखा है पूरा यहाँ पे। तो ये जो पी स्क्वायर है 32 आया, फिर यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे √32 आ जाएगा, इसका फैक्टर कर लेंगे 2 × 2 × 2 5 टाइम पैर बनेंगे, तो ये एक पैर कंप्लीट, ये एक पैर कंप्लीट, 2 × 2 = 2 पैर बन जाएंगे, वो तो बाहर आ जाएंगे, एक पैर नहीं बनेगा तो वो अंदर रख देंगे, तो 2 × 2 = 4 और ये √2, क्योंकि 2 पैर तो बन चुके हैं, 1 2 का पैर नहीं बना, वो हमने अंदर रख दिया। तो जो आपका ए बी आया, ये परपेंडिकुलर जो आया वो आपका 4√2 सेंटीमीटर आ गया। ओके, इजी है, होप यू अंडरस्टैंड वेल पाइथागोरस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 9th 10th आगे तक मतलब बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको अच्छे से लर्न कर लें आप, अच्छे से डिस्कस करें क्वेश्चन जो मैंने सोल्व किए, अच्छे से रिटर्न करें मतलब पूरा, और हम आगे डिस्कस करेंगे फिर। थैंक यू।